रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे के सही चौक सहित जगह जगह चौराहे पर तैनाती की गई थी। वहीं सपाइयों ने सुपरमार्केट अपने कार्यालय के बाहर विशाल धरना किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैद तैनाती के चलते धरना प्रदर्शन को विफल कर दिया गया और भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा तो कई दर्जन सपाइयों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन पहुँचा दिया गया। आपको बता दें कि जहां एक ओर पूरे प्रदेश में बढ़ते अपराध व महंगाई व भ्रष्टाचार के विरोध में सपाइयों द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं रायबरेली भी इससे अछूता नहीं रहा। रायबरेली में भी जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपाइयों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने सभी सपाइयों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि धारा 144 लगने के बाद दंगा की स्थिति उत्पन्न हो इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। लगातार सपाइयों की धरपकड़ पुलिस करती जा रही है और सपाई भी सरकार विरोधी नारे लगाने से पीछे नहीं हटे, जिससे पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के साथ डीएम व एसपी ने पहले से ही मीडिया के माध्यम से चेतावनी जारी करते हुए सभी जनपद वासियों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक व धर्म विशेष पोस्ट ना करें। इसको लेकर लगातार थानों में पीस कमेटी को बैठक कर हिंदू मुस्लिम संभ्रांत व्यक्तियों को शांति व्यवस्था बनाने की अपील की जा रही है। रायबरेली से संवाददाता हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। पार्टी के जिला अध्यक्ष, आज आप लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किस लिए गिरफ्तार किया गया? हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ। मेरा ये कहना है कि भाजपा सरकार में बलात्कारी मैदान में ना तो आज बेटियां सुरक्षित हैं, बहन बच्चियां छोटी छोटी बेटियां सुरक्षित हैं, ना हम लड़के सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, ना किया जा रहा है। लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। लोकतंत्र में ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, जो हमें अपनी बात कहने नहीं दिया जा रहा, हमें विरोध नहीं करने दिया जा रहा। जब विपक्ष मजबूत होता है तभी पक्ष मजबूत होता है, और हमें आज विपक्ष का पूरी तरीके से मुंह बंद करने का, जबान ना खोलने का, और हर तरीके से इन लोगों ने बल प्रयोग किया और पुलिस के बल पे एक एक दो दो लोगों को, हम लोगों को चार लोगों को यहाँ लाके और अरेस्ट किए हुए हैं। राम बहादुर यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। आज हम लोगों का भाजपा सरकार के खिलाफ और जो संशोधन विधेयक नागरिकता लाए हैं उसके विरोध में हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, लेकिन हम लोगों को धरना प्रदर्शन करने से यहाँ के जिला प्रशासन ने रोका, लेकिन हमारे हजारों कार्यकर्ता जो निकल करके सड़कों पर आए हैं और अपनी गिरफ्तारी दिया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या स्वीकृत नहीं ली गई थी क्या धरना प्रदर्शन की? हमने दिया था लिख करके, कलेक्टर को दिया था, लेकिन अंत में कल रात में 12 बजे के बाद लिख करके दिया गया कि नहीं, आपको परमिशन नहीं दिया है। परमिशन नहीं दी जा सकती? तो आपने योजना तो पहले बनाई थी कि? हाँ, हमने पहले बनाई थी और हमने पहले दिया था, चार दिन पहले दे आए थे कलेक्टर परमिशन के लिए, और कल रात में 12 बजे के बाद बताया गया कि नहीं, आपको परमिशन नहीं।